वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साई रबामा बनी रबामा बगड़ी जनीर 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन। प्रियजनों, प्रार्थना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, और वचन भी इस विषय में साक्ष्य देता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 2, प्रभु कहता है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए लोग तेरे पास आते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम यीशु से जुड़ जाते हैं। हम अकेले प्रार्थना नहीं करते हैं, परंतु प्रभु यीशु हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करता और पिता से बिछवई करता है हमारे लिए, सारी मानव जाति के लिए, सारी मानव जाति के संरक्षण के लिए। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि यीशु स्वयं अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारे लिए मध्यस्थता करता है। उसका पवित्र लहू जिसे उसने क्रूस के ऊपर मेरे और आपके लिए बहा दिया, उसका वो लहू पिता से कराह कराह कर प्रार्थना करता है कि तेरे इन बच्चों पर दया कर। हम वचन में पढ़ते हैं योहन का सुसमाचार अध्याय 17 कि प्रभु ने प्रार्थना की, उस महापुरोहित की प्रार्थना अपने पिता से कि हे पिता, अब तक मैं संसार में था, परंतु अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। जब तक मैं संसार में था तब तक मैंने इनकी देखभाल की, परंतु अब मैं तेरे पास आ रहा हूं, अब तू ही इनकी देखभाल कर। तो वचन इस बात का साक्ष्य देता है कि प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करता है। ना केवल वचन, परंतु हम यह भी जानते हैं कि प्रभु यीशु पिता के दाहिने विराजमान है, बाइबल हमें बताती है, और वह नित्य प्रतिदिन हमारे लिए निवेदन करता है। इसलिए रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 34 संत पौलुस लिखता है कि प्रभु जी उठे हैं और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर के दाहिने प्रभु यीशु विराजमान है, वो बैठा हुआ है और हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करता है। पिता से यही पुकार पुकार कर कहता है, हे पिता तेरे इन बच्चों की रक्षा कर, हे पिता तेरे इन बच्चों को सुरक्षित रख, हे पिता तेरे इन बच्चों को प्रलोभन से बचा, हे पिता तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो जाए। उसने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और उस प्रार्थना में उसने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। ईश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। यीशु ने यही प्रार्थना भी की और पिता से कहा कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इनके परिवारों में भी पूरी हो जाए। और आज इसीलिए लोग प्रभु के पास जाते हैं, निवेदन करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, हाथों को उठाते हैं, घुटनों पर आते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हर एक व्यक्ति, धर्मशास्त्र इस बात को बताता है कि विश्वास करता है कि ईश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। बाइबल हमें बताती है कि दरिद्र की प्रार्थना जब वो करता है तो बादलों को चीरते हुए परमेश्वर के कानों में चली जाती है। वो ऐसा परमेश्वर है जो सुन सकता है।
हमारा ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर जो सुन सकता है, वो बोल सकता है। उसने ऐसा किया, उसने सदियों से लोगों के साथ बोला, नबियों के द्वारा बोला, उसने मूसा से बात की, अपने नबियों से बात की और उसने अपनी उपस्थिति के प्रमाण दिए। इब्रानियों के पत्र अध्याय 7 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं कि यीशु का लहू जो मेरे और आपके लिए बहाया गया था, वो हमारी सुरक्षा के लिए पुकारता रहता है। यीशु ने जो लहू अपना बहाया, वो मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए पुकारता रहता है। तो हमें यीशु के अनुग्रह पर अनुग्रह निरंतर मिलता रहता है। ये बात मसीहों को अपने जीवन में आत्मसात करने की और विश्वास करने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो यूं ही प्रार्थना न करे, आप विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, उद्देश्य के साथ कि आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, इस तरह से प्रार्थना करें। क्योंकि प्रार्थना हमारे हृदय के तारों को परमेश्वर से जोड़ती है। जिस तरह से मैं और आप एक दूसरे से मोबाइल पर बात करते हैं, तो इन दो लोगों के बीच में जो जोड़ने का माध्यम होता है वो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा की वेव्स, हमारे हृदय के अंतरतम की वेव्स परमेश्वर से जुड़ जाती हैं जब हम उसमें लीन हो जाते हैं, जब हम अपने हाथों को उठाते हैं, जब हम उसके सामने घुटनों पर आ जाते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि बाइबल इसकी गवाह है। जब अमालेकियों और इसराइलियों के बीच युद्ध चल रहा था, तो मूसा ने योशुआ से कहा, तुम जाओ, तुम इन्हें ले जाओ और तुम लड़ो और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। उसने अपने हाथों को उठाया और वो पिता से निरंतर प्रार्थना करने लगा। दिन भर वो प्रार्थना करता रहा, जब तक उसके हाथ ऊपर थे इसराइली जीतते रहे। जैसे उसके हाथ नीचे गिरते थे, वैसे ही वे हारने लगते थे। प्रमाण ये था कि मूसा की प्रार्थना परमेश्वर के कानों में पहुंच रही थी और उसे और सुरक्षा प्रदान कर रहा था, इसलिए इसराइली लोग जीतते जाते थे। तो यीशु का अनुग्रह पर अनुग्रह हमें मिलता है जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, जब हम उसके चरणों में बैठते हैं, जब हम मनन चिंतन करते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और इसलिए हम बने रहते हैं। जानते हैं आप क्यों बने हैं? जानते हैं आप क्यों सुरक्षित हैं? जानते हैं कि आपका घर भरा पूरा क्यों है? क्योंकि यीशु का अनुग्रह पर अनुग्रह आपके घर में बना हुआ है, इसलिए आप बने हुए हैं। यीशु जीवित है, इसलिए आप भी जीवित हैं और मैं भी जीवित हूं। अगर यीशु जिंदा ना होता तो शायद मेरा और आपका विश्वास भी जिंदा ना होता। तो प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा है, इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं और आप भी उसके साथ जी उठे हैं। इसलिए शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22 और 23, बुक ऑफ लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्सेस 22 एंड 23, कि उसकी कृपा हमेशा हमेशा बनी रहती है। उसकी कृपा बनी हुई है, वो समाप्त नहीं हुई है, वो हर रोज नई हो जाती है। क्या आप अनुभव करते हैं? अपने आप से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए, क्या आप इस कृपा को रोज अपने जीवन में अनुभव करते हैं या नहीं? हम दिन भर के काम काज खत्म करने के बाद अपनी शयन कक्ष में विश्राम के लिए जाते हैं, हम सो जाते हैं, परंतु सुबह 4 या 5 बजे आदत के अनुसार हमारी नींद खुल जाती है। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी नींद नहीं खुलती? कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में शायद ये कृपा बनी नहीं रहती कि वो दूसरा दिन देख सके, नया दिन देख सके? कितने लोगों के जीवन में ये कृपा नहीं है कि वह अच्छा भोजन कर सके? हो सकता है कि कष्ट के कारण, हो सकता है किसी बीमारी के कारण, जब तक मैं और आप स्वस्थ रहते हैं वो कृपा हमारे जीवन में बनी रहती है। दुख में और कष्ट में भी अगर हम उसे याद करते हैं तो वो हमारे दुखों को हल्का करता है, हमारे दुखों को कम करता है, हमें सांत्वना देता है। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। आज आप जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं,
प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा, वो आपको चंगाई प्रदान करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो आप लोगों को ब्लेस करे, वो चाहता है कि आप लोगों के जीवन में उसकी रूह का मसा छाया रहे, वो चाहता है कि आप उसके अधीन रहें, वो चाहता है कि आप उसके साथ जीवन बिताएं। इसलिए वचन में बताता है कि प्रार्थना के माध्यम से आप इस कृपा को क्या करते रहें, नया बनाते रहें, नया बनाते रहें, नया रोज नया बनाएं। यू मस्ट रिन्यू योर स्पिरिट एवरी डे विद द लॉर्ड। आपको अपनी आत्मा को और विचारों को रोज नया बनाते रहने की आवश्यकता है, और प्रभु यीशु आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि उसकी कृपा तो झरने के समान है जो निरंतर बहता रहता है, उसकी कृपा नदी के समान है जिसकी धार लगातार चलती रहती है। लोग आते हैं उसमें से पानी पीते हैं, चौपाए आते हैं पानी पीते हैं। इसलिए प्रभु की कृपा हमारे जीवन में निरंतर बहती रहती है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि मैं और आप उस कृपा को किस तरह से अनुभव करते हैं। अगर हम अपने भौतिक जीवन में अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और ईश्वर को याद नहीं करते हैं तो हम कृपा से वंचित रहते हैं, परंतु फिर भी उसकी कृपा सृष्टि में हमारे लिए बनी रहती है। तो जब संसार के पाप बुराई हमें नष्ट करने के लिए आते हैं तो प्रभु का लहू मुझे और आपको ढक लेता है। प्रभु ने एक एक फरिश्ता बाइबल में बताती है कि हर व्यक्ति पे तैनात किया है। भजन संहिता 91 पद संख्या 12 से आगे हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने दूतों को आदेश देता है कि वो तुम्हें हाथों पर उठा लेते हैं ताकि गिरने पर तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। अब जरा गौर कीजिए कि अगर एक व्यक्ति गिरता है या 10 व्यक्ति गिरते हैं और उनको फरिश्तों को आदेश दिया गया है कि वो उन्हें गिरने पर संभालें, तो हर व्यक्ति के लिए एक एक फरिश्ता उनके आगे आगे रहता और पीछे रहता, उन्हें संभालता है। ये परमेश्वर की कृपा आपके और मेरे जीवन में रहती है। इसलिए जब आप कहते हैं कि आज मैं दुर्घटना से बच गया, बाल बाल बच गया, दुर्घटना होने ही वाली थी, तो ये आप बच नहीं गए परंतु आप बचा लिए गए। आप बचा लिए गए क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके जीवन पर बनी हुई थी। तो यीशु, आपने हमें पवित्र लहू से खरीदा है, ये रोज दोहराने की आवश्यकता है। हर मसीह को ये वचन दोहराने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, आपने मुझे अपने लहू से खरीदा, लहू की एक एक बूंद बहाकर खरीदा है, इसलिए मुझे नष्ट ना होने दे। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है कि ये दिन बुरे हैं, ये दिन बुरे हैं। इस दुनिया में पाप का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों का, तंत्र मंत्र जादू टोना ओझाई का बोलबाला है। हर व्यक्ति इन सारी चीजों की ओर भागता है और आकर्षित होता है और अपने जीवन में प्रलोभनों में फंस जाता और जीवन को नष्ट करता है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु जो नए विधान का मध्यस्थ है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं कि नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा मसीह प्रभु के दाहिने विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से भी कहीं अधिक कल्याणकारी है। जिनका रक्त हाबिल के रक्त से भी कहीं अधिक ज्यादा कल्याणकारी है। हमारे संसार में अब नहीं, शुरू से ही बलियां चढ़ाई जाती हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, इस विचार के साथ कि ये लोगों के पापों को हरेंगी, इस विचार के साथ कि ये लोगों के श्राप बंधन को क्षमा दिलाने में सामर्थ रहेंगी। अगर किसी पशु की बलि से पाप क्षमा हो सकते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, तो इंसान ने जो अपना रक्त बहाया उसके बलिदान से कितने पाप क्षमा होंगे और मुक्ति मिलेगी, ये मुझे और आपको विचार करने की आवश्यकता है। और बाइबल हमें वही बताती है कि प्रभु यीशु ने इन सारी बलियों को समाप्त कर स्वयं अपने आप को बलि चढ़ा दिया। वो पिता का प्रतिबिंब था, वो पिता का प्रतिरूप था, इसलिए उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जैसा पिता है वैसा यीशु दिखता है, वैसा ही उसने करने का भी प्रयास किया और लोगों को उस प्रेम का अनुभव कराया।
तो यीशु आपको अपना जीवन देता है, यीशु ने आपको अपना लहू दिया, हमें अपने लहू से उसने शुद्ध किया, हमें पवित्र किया, और हम अपने पापों के कारण मर ना जाएं, इसलिए परमेश्वर चाहता था कि ईसा मेरे और आपके पापों के लिए, मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित करे। ईसा नहीं चाहते थे कि हम पाप में मर जाएं, वो नहीं चाहते थे कि मौत हमारे ऊपर राज करे, इसलिए उन्होंने मौत को हराया, मौत पर फतह पाया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हर एक व्यक्ति को अपने लहू से शुद्ध करता है, और ये बलिदान दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान, इतिहास इसके गवाह हैं कि यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया ताकि मनुष्य के पापों की क्षमा मिल जाए। अपने प्राणों की आहुति देकर उसने प्रियजनों हमें सुरक्षित रखा, और आज प्रभु हमसे कहता है, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, मैं तुम्हें विचलित नहीं होने दूंगा, क्योंकि हे शिमोन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, तुम विचलित ना हो जाओ, शैतान तुम्हें गेहूं की तरह फटका ना ले, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। और आज प्रियजनों यही वचन आपके लिए है, यही वचन आपके लिए है, मेरे बेटे मेरी बेटी घबरा मत, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, अगर तू मुझ में रहेगी, मुझ में रहेगा, तो मैं भी तुझ में रहूंगा, क्योंकि जो डाली मुझ में रहती है बहुत फल उत्पन्न करती है। क्या आप चाहते हैं कि फल उत्पन्न करें? तो परमेश्वर के साथ रहना, उससे वादा करना, जैसा कि प्रभु ने कहा कि मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, प्रभु से कहना, प्रभु मैं अपने जीवन में वादा करता हूं, प्रभु मैं आपके प्रति ईमानदार वफादार और आज्ञाकारी बना रहूंगा, इन बुरे दिनों में मेरी सहायता कर, इन बुरे दिनों में मेरी रक्षा कर। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 में कि ये वचन आपके और मेरे जीवन में पूरा हो जाए। भजन संहिता 32 पद संख्या 6 और 7 में स्तोत्रकार कहता है, तू मेरे छिपने की जगह है, तू मेरे छिपने की जगह है, तू दया करता है, तुम अपने हृदय में मुझे छिपा लेता है, हम कहां जाएं? प्रियजनों, प्रभु हमारे छिपने की जगह है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो एक ही जगह बसती है, वचन, और वचन का सहारा, वचन के द्वारा सांत्वना प्राप्त करना। प्रियजनों, ये विश्वास मुझे और आपको अपने जीवन में प्रभु प्रदान करना चाहता है। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 20, आप यीशु में हैं और यीशु आप में है। मसीहों को यह विश्वास करना है कि यीशु आप में है और आप यीशु में रहते हैं, वो आपके आसपास है, यीशु आपके ऊपर है, यीशु आपके साथ है। इसलिए उसने हमें 3 लेयर प्रोटेक्शन प्रदान किया है, और ये 3 लेयर प्रोटेक्शन क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता जो सृष्टि करता है, पुत्र जो मुक्ति दाता है, स्वयं ईश्वर है, और पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हमें प्रेरणा देता, हमें वरदान प्रदान करता है, जो हमारा आश्रय है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है अध्याय 32 पद संख्या 7 में कि प्रभु तू मेरा आश्रय है, तू संकट में मेरा उद्धार करता है, तू शांति के गीत मुझे गाने देता है। नबी सफन्या का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 प्रभु का वचन कहता है कि वो मेरे कारण आनंद मनाता है। परमेश्वर हमारे लिए आनंद मनाता है, जानते हैं कब? जब हम सुखी होते हैं, जब हम आनंद मनाते हैं, जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, जब हम सेवा के काम करते हैं, जब हम शांति की स्थापना में उसका सहयोग करते हैं, जब हम इतराफ करते हैं, अपने भाई बहन को क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे कारण आनंद मनाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके बेटे उसकी बेटियां किस तरह से आध्यात्मिक जीवन में प्रयासरत रहे, किस तरह से पिता के पास पहुंचने में प्रयासरत रहे, क्योंकि यीशु ये कहता है, मुझसे होकर गए बिना पिता के पास कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता है। इसलिए यीशु हमारे कारण आनंद मनाता है जब हम सुखी रहते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो वचन हमें बताता है कि हमारी विपत्तियों का लेखा उसके पास है। प्रभु कहता है, मैंने अपनी प्रजा की आह सुनी है, मैंने अपनी प्रजा के आंसुओं को देखा है, मैंने अपनी प्रजा के कष्टों को देखा है, अब मैं उनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा,
अब मैं उनकी विपत्तियों में उन पर दया करूंगा, उनकी सहायता करूंगा, मैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा और मैं उन्हें सुरक्षित रखूंगा। एक सुंदर वचन, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। इसलिए आज जितने भी लोग निराश हैं, जिन्हें लगता है कि हम चंगे नहीं हो सकते, जिन्हें लगता है कि हम अकेले हैं, जिन्हें लगता है कि वे डरे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि उनका धैर्य समाप्त हो चुका है, प्रभु का वचन आज प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 8 हमें सांत्वना देता है कि मेरे बच्चे घबरा मत, मेरी बेटी घबरा मत, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। क्योंकि यशायाह नबी के द्वारा उसने कहा अध्याय 54 पद संख्या 17 में कि तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ हर एक शस्त्र अब ना पनपेगा, मैं उसे पनपने ना दूंगा। इसलिए आप विश्वास करना कि आपके खिलाफ यदि कोई षड्यंत्र रचा गया है तो प्रभु यीशु ये कहता है कि मैं उसे पनपने ना दूंगा, मैं उसे समाप्त करूंगा। अब तू उसका खंडन करेगी, अब तू उसका खंडन करेगी। इसलिए रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 बाइबल हमें बताती है कि आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। इन सारे कामों को करने के लिए, परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए, परमेश्वर में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। इसलिए अपने परिवार में प्रभु को प्रथम स्थान दें, अपने परिवार में उसका आदर करें, अपने परिवार में वचन का आदर करें। क्योंकि वचन अज्ञानता के अंधेरे को दूर करके ज्ञान की ज्योति हमारे जीवन में जलाता है। और जब हम वचन से अवगत होते हैं, जब हम वचन रूपी सामर्थ्य को ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे आँखों को खोल देता है और हम उसकी बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उस हमारा रिश्ता उसके साथ दृढ़ होने लगता है। तो इसलिए पुनः एक बार स्त्रोतकार कहता है अध्याय 32 पद संख्या 8 में कि अगर हमारा शरण स्थान ईश्वर है जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें मार्ग दिखाता है, जो हमें परामर्श देता है, जो हमारी रक्षा करता है, तो आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और वो पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा करता है। इसलिए आइए हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें इस वचन के लिए कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे घावों को चंगा कर दूंगा, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में उद्धार आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, आपके घर ब्लेस हो, आपकी खेती बाड़ी ब्लेस हो, आपके घर के आटा गूंदने की परात ब्लेस हो, आपके बच्चे ब्लेस हो। प्रभु यीशु आप सभी लोगों को आशीष प्रदान करे, आत्मा आपकी अगुवाई करे, अपने वरदानों से आपको भर दे। यीशु का लहू आप पर छिड़कता हूँ, हर एक व्यक्ति यीशु के नाम से उसके पवित्र लहू से मसा हो जाए, ब्लेस हो जाए और प्रभु हमें चंगाई प्रदान करे। आमेन।